अभी हम लोग जा रहे हैं तारागढ़ की तरफ, ढाई दिन के झोपड़े को होते हुए। इधर से लेफ्ट में, लेफ्ट से रास्ता है तारागढ़ का, इधर से जाएंगे। राइट से, सॉरी, राइट में रास्ता है तारागढ़ के लिए। ये निजाम गेट, ऐसे सीधा ये पत्थरों का रास्ता तारागढ़ को जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ऊपर है अभी। वो ऊपर तारागढ़, यहाँ से सीधा जाएंगे पत्थरों के रास्ते से होते हुए। यहाँ से जितना आगे को बढ़ेंगे अब चढ़ाई चढ़ती चली जाएगी। अभी तो ये प्लेन रास्ता है, इसके बाद पत्थरों का रास्ता चालू हो जाएगा। तारागढ़ चढ़ते पड़ती है मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह। मीठे नीम वाले बाबा, मीठे नीम वाले बाबा, ये रास्ते में मीठे नीम वाले बाबा की दरगाह पड़ती है, इसकी ज्यारत करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो यहाँ पे नहीं आ पाता है वो भी ज्यारत करो। ये पेड़ है मीठे नीम का, बहुत पुराना पेड़ है, ये दिख नहीं रहा है। पहले खुला हुआ, बंद कर दिया सब। मीठे हो गए इसके, हाँ मीठे पत्ते हैं इसके। और अब ये नीम का पेड़ है और 800 साल पुराना इसको बताते हैं। इसके पत्ते आज भी मीठे होते हैं। इन्होंने बंद कर रखा है और इसके पत्ते यहाँ पे ये मोल देते हैं, आप पैसे लेके लेके यहाँ से ले जाते हैं। मीठा नीम, अब पत्थरों का रास्ता चालू हो गया, सह करके चलियो आराम से। हो हाँ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। थका ना? मैं कम थक रेड़ लग गई बहुत ज्यादा। ऊपर बैठिए थोड़ी ऊपर। यहाँ पर अब सारा रास्ता ऐसे ही मिलेगा पत्थरों का। सब परेशान है बेचारे, थक गए जितने भी लोग हैं। बहुत ऊपर है, किसी से चला नहीं जा रहा, सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। क्या करूं भाई, मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही, कहते हुए मजबूरी कह डाली। आज ये फैमिली साथ में नहीं थी भाई, मैं किसी के सामने हाथ नहीं दौलत से नवाजे के हजारों की तरफ जाऊंगा। अभी बहुत दूर है वो, वो सामने दिखाई दे रहा है तारागढ़ का गेट। यहाँ से थोड़ा अभी आधा रास्ता और बाकी होगा, उसके बाद में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नाकी तक की सरकार, ये नीचे वो नाकी तक की सरकार की तरफ को रास्ता जाता है। यहाँ से लोग नाकी तक की सरकार भी जाते हैं तारागढ़ पे चढ़ते हुए। बीच में पड़ता है, जब थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं तो बीच में पड़ता है ये जादुई पत्थर। आप इसकी ज़ियारत करो, ये वही पत्थर है जो मीरा सैयद हुसैन के ऊपर ने जादूगर ने फेंका था। ये मीरा सैयद हुसैन की उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं और नीचे चाबुक का निशान है और घोड़े का पूरा छपा हुआ इसके निशान है पूरा। ये
सब महान सागर यहाँ से कितना बड़ा दिख रहा है। बस थोड़ी दूर और अब ये तारागढ़ का गेट नजर आने लगा है, बहुत ही नजदीक, मुश्किल से बस 2 मिनट 5 मिनट का रास्ता होगा। मेन गेट है तारागढ़ का। इसके अलावा हमारे पास तोफा नूरी, हवलदिल पत्थर और छोटे पब्लिक बहुत आई। इसके अलावा हमारे पास बच्चों के गले में डाल लेते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में अजमेर शरीफ और आना सागर का व्यू। पहुँचते मीरा सैयद हुसैन की दरगाह और फाइनली दरगाह पे पहुंच गए मीरा सैयद हुसैन। वही तो है ये मीरा सैयद हुसैन की, ये तो दरगाह है, मेन दरगाह यही तो है। ये गेट है उनका, हजरत मीरा सैयद हुसैन। बाद में मीरा सैयद हुसैन की दरगाह का अंदर से व्यू माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी हुई है। आप सब लोग इसकी ज़्यारत करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, काफ़ी मेहनत लगी है यहाँ तक आने में। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दरगाह के बराबर में ये है घोड़े का मज़ार, यहाँ पर लोग दाल चढ़ाते हैं। ये घोड़े का मज़ार मीरा सैयद हुसैन के घोड़े का मज़ार। ये वो पेड़ है जिसकी औलाद नहीं होती, वो इस पेड़ का फल लेके जाता है यहाँ से। ये है पेड़ पेड़ होगा, ये 1000 साल पुराना, 1000 साल पुराना। हजरत मौला अली, इनके रोज़े बनाए हैं। हजरत मौला अली का रोज़ा तारागढ़ से जब नीचे को आते हैं तब ये बीच में दिखा पड़ता है, ये रोज़ा बना हुआ है। तारागढ़ करबला शरीफ, ये तारागढ़ पे जब नीचे को आते हैं तब ये बीच में पड़ती है करबला शरीफ। करबला शरीफ है तारागढ़, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह करबला शरीफ। ये सीढ़ियों के रास्ते से जब नीचे उतरते हैं तो ये बीच में किले की दीवार पड़ती है, यहाँ से अजमेर का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ से पूरा अजमेर और आना सागर एक साथ दिखता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी यहाँ से दिखती है, बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। ये देखो पूरा अजमेर कैसे नज़र आ रहा है, आना सागर, पूरा आना सागर नज़र आएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा यहीं से नज़र आता है। यहाँ पर घोड़े की टाप का निशान है, यहाँ पर जो कान लगाते हैं तो उस पर आज भी कान लगाने से आवाज़ सुनाई देती है घोड़े की टाप होगी। ये सब लोग कान लगाकर सुन रहे हैं, जैसे कान लगाते हैं ना उसमें घोड़े की टाप की आवाज़ आती है। ये देखिए कितना खूबसूरत का निशान, ये यहाँ पर पानी है बराबर में, तो जितने लोग हैं ये सब गोश पाक का चिल्ला मुबारक। तो जब थोड़ा सा नीचे और चलते हैं तो बीच में मिलता है गौस पाक का चिल्ला मुबारक, आप इसकी ज़्यारत करो, बहुत ही खूबसूरत। ये बहुत खूबसूरत दरगाह बनी हुई है अजमेर शरीफ से नीचे से भी दिखाई देता है, ये गौस पाक का चिल्ला मुबारक। यहाँ से अजमेर का व्यू बहुत शानदार आता है, चला भी। और यहाँ पे लोग कबूतरों को दाना भी डालते हैं, आप आओ तो यहाँ पर दाना डाल सकते हो। गौस पाक के चिल्ले से जब नीचे को देखते हो तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दिखाई देती है माशाल्लाह, कितना शानदार व्यू है, ये गौस पाक के चिल्ले से दिखाई दे रही है।
पूरा अजमेर यहाँ से नजर आता है। गाइस ब्लॉग यहीं तक लगता है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालता रहूँगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़। अब मैं यहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से ये व्यू दिखा रहा हूँ। वो गौस पाक का चिल्ला ऊपर नज़र आ रहा है, वहीं से मैंने अभी नीचे का व्यू दिखाया था। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ज़रूर, जो यहाँ पर ना आया वो इस ज़ियारत कर सके।